वीडियो आ रहा है नीलम गांव प्रोटेस्ट किया दिल्ली में धरना प्रदर्शन देखा हो आपने भी? कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था बहुत मेरी लड़की तंग थी तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है इतनी पढ़ाई लिखाई टूके पढ़ने लिखाई पढ़ाई फिर मारा ती कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी मां पढ़ाई तो मतलब रख बेबे अपन धरना तो कुछ नहीं लेना हमने वहां भी रोक दी थी फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं फिर उसके लिए हमने पढ़ने खातिर आसार छोड़ दी हमने कोई बेरा नहीं था यू इसार कब छोड़ी दी चार पांच महीने हो गए मेरी छोरी ने लड़की ने सार जाई तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई हाँ आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई आम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी और वह नहीं बोली मान अच्छी अच्छा डॉक्टर का दिखा ले भाई आपकी बीमारी है कभी आप मारे जावा मर जावा तो आज बात हुई कोई आज हाँ आज वही है डॉक्टर के थे हम लेकिन बताया नहीं दिल्ली ना कोई बताया नहीं मारा तो क्या कहेंगे मतलब आंटी ऐसा कदम उन्होंने उठाया प्रोटेस्ट कराया तो कोई बेरोजगारी की बात करा करती घर पर हाँ बेरोजगारी की बात करा करती नहीं बोली माँ उन्हें इतनी मम्मी मैं उन्हें इतनी पढ़ ली दो रोटियां का रोजगार नहीं मिलता इस तकरी तो मैं मर जू ये बात जरूर कहा कर दी वहाँ घर की स्थिति कैसी है जी हम तो गरीब से यहाँ भी अपना लाइफ पेट चलाई चला रहे अभी नीलम का एक वीडियो आता प्रोटेस्ट किया लोकसभा के बाहर क्या कहेंगे उस बारे में? हाँ नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर वो हमें तो पता नहीं था कि वो दिल्ली गई है हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए क्या करती है कौन सी स्टडी करती है वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था उसकी तैयारी करती है वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार तो उसका कल आई थी वो घर पे परसों आई थी तो कल वापिस गई है हिसार कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे कितना पढ़ लिखी है वो बीए एमए बीएड एसटेट सीटेट एमए एमफिल नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी बेरोजगारी का मुद्दा है आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो उनके साथ ही थी किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने तो सर बेरोजगारी तो है ही आपको ही पता है तो ये आपको पता चला था दिल्ली गई एकदम से नहीं इसका नहीं पता था मैं अब हमें तो बड़ा भाई जो कुलाना रहता है ना उसका फोन आया था केवल टीवी ऑन कर उन्होंने क्या बात होगी उन्होंने बोला कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली तो और परिवार में कौन कौन है क्या करते हैं बड़ा भाई है मेरी वाइफ है मेरी माँ है मेरे पिताजी है क्या करते हैं काम करते हैं मेरे पिताजी हलवाई है आप क्या करते हैं मैं दूधा काम करता हूँ और दूसरा भाई वो भी दूधा काम करता है तो ये जो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ तो उनके मन में टीस दिखी थी बेरोजगारी को लेकर कि एक बड़ा मुद्दा है उनको लेकर ये बेरोजगारी का तो बड़ा मुद्दा है ये तो पता था हमें सर क्यों उसने मैं पहले इसके साथ गया था दिल्ली उसका शायद टीजीटी का इंटरव्यू था तो उसमें हमने देखा हमारे सामने ही बिल्कुल जो जिसके नंबर भी कम थे वो तो ले ली और वो बोला कि आपका नीलम देवी है एफिडेविट बनवा के लेके आओ अब दिल्ली से यहाँ पे एफिडेविट कैसे बनवा के लेके जाएंगे तो अब क्या मतलब क्या कहेंगे जैसे अरेस्ट हुआ है इस बारे में आप क्या कहेंगे इस बारे में सर यही कहना चाहूंगा अगर उसने ये कदम अच्छा किया या बुरा किया इसका तो हमें पता भी नहीं है देख उसे बात करके उसके बैठ के उसे तभी पूछेंगे कि आपने ये क्यों किया अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है एक लड़की का नीलम बता रहे हैं आपके यहाँ कसोपुर से संसद में प्रोटेस्ट किया है मामला हुआ है क्या जानते हैं उसके बारे में देखिए जी वो बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी शानी लड़की है और हिसार में वो प्रैक्टिस भी कर रही है मेरी ख्याल से तो कोर्स कर रही है कोई बड़ा तो हमारे साथ गई थी वो अपना जो महिला बेटियों का खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था आपके साथ गई थी हाँ हमारे साथ गई थी बड़ी पढ़ी लिखी बड़ी सभ्य लड़की है तो किस तरह के विचार थे वो किस तरह की बातें करती थी बहुत बढ़िया बातें करती थी ये तो कहती थी भाई सरकार ने ये वादे करे थे भाई इतना रोजगार देंगे ये देंगे वो देंगे लेकिन किया कुछ नहीं सरकार ने इसलिए उसका गुस्सा था हो सकता इसी बात को लेकर थोड़ा बहुत उसने जो भी विरोध किया सही किया तो किस जो और किसान आंदोलन आपका चला उसमें भी साथ हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल लगातार आती थी वो साथ देती थी किस किस तरह के मुद्दे उठाती थी रोजगार का बताया आपने रोजगार का मुद्दा था हाँ रोजगार का था ये अपना किसानों वाला था इसमें हर जो भी गरीब तबका का जो भी होता था उसके साथ थी आती थी अपना छोड़ के वहाँ से पढ़ाई छोड़ के तो कितने दिन प्रोटेस्ट किया उसने वहाँ पे उसका खिलाड़ियों के साथ में दिल्ली में वो जी दो ही दिन रहे थे तीसरे दिन तो गिरफ्तार कर लिया गया हमको फिर इन्होंने महिला संसद के सामने वो महिला महापंचायत होनी थी तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई थी नीलम की हाँ जी हाँ किसकी नीलम भी हमारे साथ थी जी गिरफ्तार में हाँ जी हाँ
लेकिन वो उन्हें छोड़ दिए थे फिर वैसे ही बगैर केस दर्ज करे। उचाणा से बता रहे हैं, क्या जानते हैं उसके बारे में? देखो हमने वीडियो देखी है, नीलम नाम है उस बेटी का और वो गसो खुर्द से है, हमारे इलाके की लड़की है, सभ्य और पढ़ी लिखी जेंटल लड़की है। कभी कभार हमारे धरने पर भी समर्थन करने आती थी और जो खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर धरना चला उसके अंदर भी उसने भाग लिया, उन खिलाड़ी बेटियों का साथ दिया। आज उसने महंगाई के बारे में और देश में जो तानाशाही चल रही है उसके बारे में आवाज उठाई है, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उस बेटी को जल्दी से जल्दी रिहा करने का काम करे और उससे सीख लेके नहीं, जो देश के अंदर बेरोजगारी चल रही है और जो तानाशाही चल रही है उस पर अंकुश लगाने का ये मोदी सरकार काम करे। अच्छा क्या और जानते हैं कौन से गांव से फादर क्या करते हैं थोड़ा सा? उसका बाप यहाँ पर हलवाई का काम करता है और बीसी समाज की लड़की है, कुम्हार जाति से संबंध रखती है। मैं कहूँगा कि सभ्य और जेंटल लड़की है, उसको ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ी है, युवाओं के अंदर बड़ा भारी रोष है, युवा है, पढ़ी लिखी लड़की है, सरकार ने गलत वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे तो रोजगार कहीं सरकार दे नहीं रही, इसलिए उसने अपना जो प्रोटेस्ट किया है 1 महीने में तो सही किया, हम सही काम मानते हैं। और जो आज तानाशाही सरकारों की चल रही है, सरकार ने इस पर भी अंकुश लगाना चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए, युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, किसान मजदूर की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, आम आदमी की समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा यहाँ अक्सर आती थी धरने पे, यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास कभी कभार वो आई है। मैं कहता हूँ कि उसने जो खिलाड़ी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थी उस प्रोटेस्ट में भी उसने भाग लिया था, उन बेटियों का भी साथ दिया था, एक सभ्य और जेंटल लड़की है। आपका शुभ नाम जी? आजाद पालवा, किसान नेता, धरना संयोजक, उचाणा।